हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और टैंकर चालकों की चल रही हड़ताल आखिरकार मंगलवार को गृह मंत्रालय की बैठक के बाद खत्म हो गई। इसके बावजूद शहर के पेट्रोल पंप की स्थिति सामान्य होने में बुधवार शाम तक का इंतजार करना होगा। जी हाँ, ट्रक टैंकर चालकों की हड़ताल तो खत्म हो गई है, मगर शहर के पेट्रोल पंप पर अभी भी पेट्रोल नहीं है। बुधवार को जब हमारी टीम ने शहर के पेट्रोल पंप का जायजा लिया तो शहर के 90% पेट्रोल पंप बंद दिखाई दिए। सभी पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक के बोर्ड लगे हुए थे। साथ ही हड़ताल खत्म होने की खबर सुनते ही लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने की कतार लगाए दिखाई दिए। जब हमारी टीम ने पेट्रोल पंप चालक से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हड़ताल देर रात खत्म हुई है और टैंकर सुबह 10 बजे के बाद निकलते हैं। इसी कारण सभी पेट्रोल पंप की स्थिति शाम तक सामान्य हो जाएगी। स्टॉक आता कस ट्रांसपोर्ट ज्या गाड्या है ते 10 वाजता नंतर येणं सुरू होईल, कारण की ड्रायव्हर लोक त्याच्यामध्ये जे पहिले जे आहे ते स्वतःच्या ज्याच्या टँकर आहे स्वतःच्या पेट्रोल पंपवाल्यांचे त्यांचे सरकार त्यांचेच भरणार आहे, त्याच्यानंतर ट्रान्सपोर्टवाल्याच्या ज्या गाड्या येईल त्याच्यानंतर तो स्टॉक येणं सुरू होईल। तरी याच्यानं अंदाज येतो दुपारच्या नंतरच होईल जे काही होईल। आता बीपीसीएलचे जे डेपो आहे ते बोरखेडीला आहे, तिथून इथे यायला सिटीमध्ये यायला साधारण ते 1.5 तास लागतो आणि बाकीचा जो डेपो आहे तो आहे खापरीला, तिथून यायला साधारण 1 तास तर लागतात, त्याच्यानंतर मग सुरू जाईल। माझ्या हिशोबानं तर 90% पेट्रोल पंप ते बंदच असेल, कारण की स्टॉकच नाही कोणापाशी अवेलेबल। संध्याकाळपर्यंत पूर्वपदावरील परिस्थिती असं, हा दुपारच्या नंतर रोलिंगवर येऊन जाईल, दुपारच्या नंतर म्हणतात धीरे हळूहळू होतं, पूर्व सायंकाळपर्यंत स्थिती पूर्ण नॉर्मल होऊन जाईल। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।